हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेड सी एस संभल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के हम वीडियो में आपको बताएंगे कि आप फ्लिपकार्ट से किसी भी ऑर्डर को कैसे प्लेस कर सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसे सीखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले आप अपनी फ्लिपकार्ट की जो एप्लीकेशन है वो ओपन कर लीजिए, और वो ओपन करने के बाद में आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है वो उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको बाय पर क्लिक करना है, जो भी आपको है। जैसे मुझे अभी एम आई LED स्मार्ट TV A4 प्रो 32 इंच में ख़रीदना है, तो मैं इसको बाय पे क्लिक करता हूँ। बाय पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि एक्सटेंडेड वारंटी 2 ईयर बाय फ्लिपकार्ट प्रोटेक्शन। यस, तो मुझे अभी 1 साल के लिए और चाहिए, इसमें 2 साल की हो जाएगी ये, तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ और देखते हैं इसमें कितना कॉस्ट हो चुका है अब तक। तो देखिए 12,999 रुपये की LED है, और इसके बाद जो एक्सटेंडेड मैंने 2 साल की करी है ये, तो ये 1,099 रुपये इसके लगे। कुल मिला के 14,098 रुपये की कॉस्ट आई। डिलीवरी फ्री है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको किस तरह से बाय करूँगा। मैं इसे EMI के थ्रू बाय कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ पैसा मुझे जस्ट मनी के द्वारा मिला है और कुछ पैसा मैं अपने अकाउंट से डेबिट कराऊँगा। तो देखिए मैं किस तरह से करूँगा इसको। तो इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पेमेंट ऑप्शन पे रिडायरेक्ट करा दिया इसने। अब पेमेंट ऑप्शन पे आने के बाद में आपको फ़ोन, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी देखते हैं। अब ये हम कैश ऑन डिलीवरी और गिफ्ट कार्ड में जाएंगे, और यहाँ बाउचर डालेंगे अपना। हम गिफ्ट कार्ड में जाके जो मुझे जस्ट मनी की तरफ से एक बाउचर मिला है वो बाउचर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो चलिए इतने में बाउचर को एंटर कर लेता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो बाउचर अपना था या फ़ोन पे क्रेडिट डेबिट कार्ड से आपको पे करना होगा इस टाइम। तो मैं अभी, और जो इसकी कॉस्ट आ गई अब 7,116 रुपये बची, यानी 6,982 रुपये का मुझे गिफ्ट कार्ड मिला था, तो 7,116 रुपये मुझे अभी और पे करने हैं। तो चलिए मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। और इसमें फिर हम बैंक अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, ICICI बैंक, और उस पर पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ वेट। और देखिए ये मेरा ID और पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं ID पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मुझसे अब मेरा कुछ थोड़ा सा डिटेल मांग रहा है जो कि मुझे भी भरना है इसमें, तो चलिए मैं इस डिटेल को भी एंटर कर देता हूँ। और देखिए मैंने इसको जो है एंटर करने के बाद में ये जो है मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। ये देखिए माय ऑर्डर इज़ सक्सेसफुली प्लेस्ड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप बताना कि वीडियो मेरी कैसी रही। देखिए मुझे मैसेज भी आ गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से। ये देखिए, आर यू हैप्पी विद द फ्लिपकार्ट एक्सपीरियंस, और 10 कॉइन मिल चुके हैं मुझे इस ऑर्डर पे, और मेरा एड्रेस वगैरह सब आ रहा है। ये मुझे डिलीवर हो जाएगा 15
से 19 तारीख के दिन यानी अप्रैल में। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद मैं आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो दिखाऊंगा। मेरी वो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।